अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबार बुखारी आपके साथ है और हम अपने मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जिंदा नशरियात में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर एस अहमद मुसाफिर आ चुके हैं और उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शुक्र, अच्छे गुजर हैं अल्लाह का शुक्र। गर्मी लगती है आपको? गर्मी तो नहीं लगती मुझे बिल्कुल, मैं अपने कंट्रोल कर देता हूँ, टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ। वैसे मैंने देखा डॉक्टर साहब को स्वेटिंग भी नहीं होती है, है ना डॉक्टर साहब? नहीं बिल्कुल, क्योंकि गर्मी नहीं लगता, यही वजह गर्मी नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि मैं वाइब के स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, माशाल्लाह यहाँ सबको मैं ये ऐलान करूंगा कि यहाँ पर कोई गर्मी नहीं है, बेखौफ आ सकते हैं ये। हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल सही। अच्छा जी, और जबरदस्त। ओके जी डॉक्टर साहब, आज आप हमें जो है वो, एक तो हमारे पास बुक भी डॉक्टर साहब की मौजूद है, शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, रेकी और दुनिया की ताकतवर तरीन शिफाई तवानाई समदा हीलिंग एनर्जी, ये बुक डॉक्टर साहब की मार्केट में अवेलेबल है और ये आप जो है वो डॉक्टर साहब के इंस्टीट्यूट से भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप देखें, और डॉक्टर साहब की तस्वीर जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें दाढ़ी भी फुल है। और जब रिसर्च पे जाता है इंसान तो फिर पता नहीं चलता है किसी को, बालों का तो ख्याल ही नहीं होते कि क्या है क्या सही नहीं। बिल्कुल सही। और फिर वैसे भी दाढ़ी अच्छी है, सुनत है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आपने सूट भी करती है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, वो वाली भी अच्छी लग रही है। ओके जनाब, तो एक कॉलर भी साथ है हमारे जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सुंदर बात कर रही हूँ, कैसी है सबाना? मैं ठीक हूँ सुंदर साहब, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सुंदर, बिल्कुल पूछे। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि थायराइड का जो मसला है, मेरे कुछ रिलेटिव है जो कश्मीर में रहते हैं जी, कश्मीर साइड पे, उनको थायराइड का मसला है थायराइड का क्या मसला है? गला बड़ा हो गया है, क्या हुआ है? गला ट्यूमर है गले में, गला भी बड़ा हो गया, लेकिन काफी अच्छा वो मेडिसिन लेती नहीं है, गला नॉर्मल हो गया, लेकिन उनकी आईज जो है वो थोड़ी सी बाहर हो गई है। देखिए ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है और कुछ और प्रॉब्लम भी होते हैं, इसके रीजन होती है और ये बहुत जरूरी है, वजन भी बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहे होते तो वजन बढ़ने का भी खदशा होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बात यह है कि बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि उसका प्रॉपर इलाज होते है, बिल्कुल होते है, और समदा हीलिंग एनर्जी में भी इलाज है बहुत बेहतर। बिल्कुल बहुत बेहतरीन है और समदा से भी बड़े ट्यूमर्स का भी इलाज होते है। तो आप मैं इस्लामाबाद में भी क्लासेस लेता हूँ, तो इस्लामाबाद में आ सकते हैं, कश्मीर से काफी लोग आते हैं। ओके, ये ज्यादा बेहतर है जी। और सेकंड, मैंने आपकी बुक पढ़ी है शफाई तवानाइयों की, पोशीदा दुनिया, बहुत बेहतरीन है, और उसमें समदा लेवल 3 के बारे में जो आपने असरात के बारे में जो लिखा है जी, जिन्नात का, मैं पूछना चाह रही हूँ की ऐसा तो नहीं है जिन्नात हम पे हमला कर दे? नहीं ऐसा नहीं होता है, नेगेटिविटी जितने भी है लेवल 3 से दूर होती है और बिल्कुल ये कोई ऐसे मसला नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको नेगेटिविटी नज़दीक भी आए, समदा लेवल 3 के बाद बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके करीब नहीं आ सकते हैं। हम लोग सेफ होते हैं, बिल्कुल सेफ होता है इंसान 100%। समदा लेवल 8 के बाद हम लोग जो है, समदा लेवल 8 का जो है उसके बाद मास्टर्स की कर सकते हैं, समदा लेवल 8 के बाद मास्टर्स कर सकता है बिल्कुल, समदा 1-4 मास्टर मैं कराता हूँ तो मास्टर कर सकता है बिल्कुल। राइट, थैंक यू सुंदर। ओके अलाफे, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और सुंदर जो है वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और बड़े मजेदार और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं, वो करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात करी थी ये थायराइड की
और आंखों के कुछ बाहर आने की जी। तो इससे आप क्या समझे और किस तरीके से आप इसको समदा हीलिंग से जो है वो कर सकते हैं? थायराइड ग्लैंड का काफी ये एक बहुत बड़ी मसाइल काफी लोगों को बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत ज्यादा है। ये बेसिकली हमारे एक उर्दू में कहते हैं हुदाई सनोबरी, जो यहाँ पर एक ग्लैंड होते हैं जो कि हेड है सब ग्लैंड्स का। तो जब ये ग्लैंड के कारकर्दगी थोड़ी सी उसमें गड़बड़ आते हैं, फिर ये इस ग्लैंड पे भी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर भी असर होते हैं उसकी। तो ये असरात फिर ऑल ग्लैंड्स जो बॉडी में है कुछ ना कुछ इस तरह असरात, क्योंकि बॉडी का एक निज़ाम में जब गड़बड़ आ जाता है तो सारे पे आ जाते हैं। तो इसका सारे बहुत से प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाते हैं और मेडिकली भी इसका कुछ ना कुछ इलाज है, लेकिन ट्यूमर का इलाज बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन समदा हीलिंग एनर्जी से ट्यूमर्स का भी इलाज होते हैं, काफ़ी लोगों का ठीक हो गए हैं ट्यूमर्स बॉडी पे कहीं पे भी हो। तो ये एक बड़ा निज़ाम है जो ग्लैंड्स का निज़ाम है बॉडी में जो अल्लाह ने बनाई है। इस बहुत से चीज़ जिस तरह के हमारे दान जो हमारे मुंह में जो बाजार के जो हमारे मुंह को यानी तर रखते हैं, इसका वजह यह है कि ये ग्लैंड्स है और वो वहाँ से वो दान का बाजार निकलते हैं और हमारे मोमेंट्स जो मुंह का है वो सारा कुछ गले का है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होती है। इस तरह के बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, एक दुनिया है ग्लैंड्स का। तो ग्लैंड्स जो है ये इसको बरकरार रखने के लिए सब कुछ को सबसे अहम जो है आयोडीन का, बचपन से आयोडीन का में कमी होते हैं बिलखसूस ऐसे एरियाज में जहाँ पर मछली का इस्तेमाल कम होते हैं। और दूसरा आयोडीन यानी कुछ चीज़ों में कम लेते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि गले के बढ़ने का ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए। है बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन हाँ, मतलब एक बार मछली खाएं लोग तो उससे हल होते हैं। अच्छा नहीं मछली में ज्यादा आयोडीन है। और ये जो आयोडाइज नमक जो आजकल आए हुए हैं हाँ इसकी वजह से काफी कम हो गए, पहले बहुत ज्यादा थे प्रॉब्लम, अभी इसकी वजह से बहुत कम हो गए। सही, तो आयोडाइज नमक जो है वो आप घर पर इस्तेमाल करें और इससे जो आपकी डेफिशिएंसी है आयोडीन की वो आपकी काफी हद तक पूरी हो सकती है। असल में कॉलर भी साथ है, मछली बेहतरीन चीज है, मछली तो बहुत क्योंकि वो उससे आपके वजन भी नहीं बढ़ते हैं और बड़ा अच्छा है। और फिर विटामिन ई भी है और फिर व्हाइट मीट भी है और फिर आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छी, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। आप खाते हैं मछली? बहुत ज्यादा नहीं, बस कभी कभी महीने में एक बार या कभी दो महीने एक बार। ना करें डॉक्टर साहब, ज्यादा खाया करें। सच है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज्यादा खानी चाहिए। बस मेरे सामने जो भी कुछ आ गया मैं खा लेता मुझे कोई परवाह नहीं, जो मुझे डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज का। सही बात है, बिल्कुल। एक कॉलर साथ है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मानूर बात कर रही हूँ कराची से। मानूर जी, सबाहत कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मानूर, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबाहत, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि ये मजीद कंटिन्यू रहे ना। जी जी। हेलो जी जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी प्लीज कीजिए। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं सुबह काजी से देखती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा एक जो है क्वेश्चन है मैं आपसे करना चाहूँगी, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे अंकल हैं उनके पेट में ना हर्नी हो गई है। जी, इस पेट में क्या होते हैं? हर्नी है, हर्निया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। इसका समदा में इलाज है और कितना अर्सा इसमें दरकार होता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी शख्स ने पहले से रेकी सीखी हुई है तो क्या वो समदा भी सीख सकता है
और क्या ये रेकी से ज्यादा इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, रेकी से कर्कुना ज्यादा इफेक्टिव है और हार्निया का तो बड़ा एहतियात करनी चाहिए आपको जी, डॉक्टर को भी दिखानी चाहिए आपको और समदा में भी इसका इलाज है, तो हार्निया का बहुत वजूहत है, बड़े एहतियात से होनी चाहिए। तो इस तरह कर लें, इंशाल्लाह आप थर्सडे को तशरीफ लें और देख के आपको बता देंगे कि इसका क्या इलाज है किस तरह। ओके सर, ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैनू, बहुत बहुत शुक्रिया।